बोल फेरो जिस अपन पोस को कम यार सब कुछ तामस ऐसे तेवन टीचर्स ट्रेन आखिर पाते हम साथ हम सुब बोर्ड आप पाक यल था मान तो प्रसाद वो सुशुभदार पोट वही लाता बाजी सनान आशी कुनई जुन पाइचम जिसु प्रत शाम गुलजार अहमद रातर सबस इवन तशरीफ तो परान मज खवातीन हजरा कते तामत कश गुड अनवरिस दिन पाइजे बस यपर किन दोबार जुन अजीज हाजनी सला सला शुक्रिया कम यार सपुज खाब सनान आशी कुन की कह छो कश जबवन हुन दुश्मन क्या जुमले के शाद रमजान हसन वन के टैंक सब चु पोज कश कस्टोडियन अस अंग्रेज पे लफ्ज इस्तेमाल कर मगर यमो लफ्ज अमीन मे कोर मुशावे कर हाजन यम तशरीफ फरमा जीअत मेहमान ये लिखमुत तजीज हाजनी सबस अगर सारी खुद बोड खराज आंस नफरत आज यहाँ पर हल्का अदब सोनावारी और वहाब कल्चरल सोसाइटी ने डॉक्टर अजीज़ हाजिनी की याद में उनकी दूसरी बरसी पर एक शानदार तकरीब का इनकाद किया। इस तकरीब को जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक का तआवुन हासिल रहा और इसमें वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हुए अदीबों दानिशवरों और कलमकारों ने डॉक्टर अजीज़ हाजिनी को उनकी दूसरी बरसी पर शानदार खराज पेश किया। तकरीब के नुमायाँ जो हिस्से हैं उनमें मोहम्मद अमीन भट्ट साहब जो कि अरबी मरकज़ कमराज के सदर हैं उन्होंने अजीज़ हाजिनी कश्मीरी रिवायतों के अमीन के उन्वान पर एक मुदल्लल मकाला पेश किया जिस पर फिर हाजरीन ने अपने तासुरात भी रखे। आज के तकरीब के मेहमानी खसूसी जो थे वो डिप्टी कमिश्नर बांडीपुर डॉक्टर ओवैस राणा साहब थे, इनके हमरा प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा, प्रोफेसर शाद रमज़ान, डॉक्टर रफीक मसूदी, मोहम्मद अमीन भट्ट और भी कई अहम शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की और ये अहद सभी ने एक बार फिर दोहराया कि हम कश्मीरी ज़बान की बका इसकी अजमत के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको हर सतह तक ले जाने के लिए और हर घर में ज़िंदा करने के लिए सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। और अजीज़ हाजिनी का भी पूरी उम्र यही मिशन रहा, वो पूरी उम्र इसी काज के लिए काम करते रहे कि कश्मीरी ज़बान को, कश्मीरी सकाफत को, कश्मीरी तमद्दुन को किस तरह हर घर में ज़िंदा रखा जाए। मैं ईमान से कहता हूँ और मेरा यकीन है कि हाजिन कस्बा जो है, हाजिन टाउन जो है, ये कश्मीर की सकाफती राजधानी है जिसको आप कल्चरल कैपिटल कह सकते हैं। जैसे बॉम्बे को आप इकोनॉमिकल कैपिटल बोलते हैं, इसी तरह कल्चर अब हाजिन में यह है कि हर गांव में, हर शहर में, हर घर में आपको एक शायर मिले। तो आज का जो दिन है ये योम हाजिनी है, ये योम अजीज़ हाजिनी है, क्योंकि यहाँ दो हाजिनी के दिन मनाए जाते हैं, प्रोफेसर महीद्दीन हाजिनी और ये आज अजीज़ हाजिनी। अजीज़ हाजिनी कश्मीरी सकाफत, कश्मीरी ज़ुबान, कश्मीरी तमद्दुन और कश्मीरी लिटरेचर के हवाले से, कश्मीरी ज़ुबान के हवाले से एक तारीख साज शख्सियत रहे हैं। उन्होंने जिस भी जगह पे वो रहे, चाहे वो स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, यूनिवर्सिटी में रहे और फिर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में रहे या फिर आखिर में कल्चर अकेडमी में रहे, कि वहाँ जब रहे तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आजकल हम लोगों को यहाँ जमा होने में उनकी बरसी पे पाबंद करता है। ये सबसे बड़ी बात है, नहीं तो हमारे कश्मीर में क्या होता है कि जो चला गया उसे भूल जाए, यूज़ गौ तो सो गौ, मगर अगर कह शख्स तेरे इंतकाल कर पत्ते इतकन याद चुवा कर, इसका मतलब है कि उसमें कुछ चीज़ है, कोई बात है कि अभी तक अभी नाम लिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, उनका कंट्रीब्यूशन कश्मीरी ज़ुबान को कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूली सतह पर जो इंट्रोड्यूस करने का उसमें ज़बरदस्त रोल रहा है उनका, सैयद शुजात बुखारी साहब का, मोहम्मद अमीन भट्ट का और अजीज़ हाजिनी साहब का। और जिस तहरीक के साथ, यानी मैं उसको तहरीक बोलूँगा आदमी मरकज़ कमराज, उसके वो सदर भी रहे और सरप्रस भी रहे और मेरे लिए एक बड़ी हम्बलनेस है कि आजकल मैं उनकी जगह पर बैठा हूँ
सरपरस्त अदबी मरकज़ कमराज मेरे लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो काम प्रोफेसर निशात अंसारी ने किया, प्रोफेसर रशीद नाज़की ने किया, प्रोफेसर महीद्दीन हाज ने किया, और फिर अज़ीज़ हाजनी ने किया, शुजात बुखारी ने किया, मैं क्या वो कर सकता हूँ कि नहीं। लेकिन वो मेरे लिए मशाल राह हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अदबी मरकज़ कमराज जिन ऊँचाइयों को छुआ है वो उससे भी आगे जाए, और मैं ये कोशिश करूँगा जो तहरीक अज़ीज़ हाजनी ने चलाई है कश्मीरी ज़ुबान, कश्मीरी अदब, कश्मीरी सकाफ़त के हवाले से, उसको हम अगर आगे नहीं ले जा सकते लेकिन आप उसकी हिफाजत करें, मेरे लिए वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन।